हेलो दोस्तों, आज हम एक सिस्टम रिपेयर करने के लिए आया हूँ और इस सिस्टम को हम रिपेयर करेंगे। तो इस सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम है हम देखेंगे। पहले देखिए, इस कॉमोड से लीकेज आ रहा है और यह भी लीकेज हो रहा है ओवरफ्लो करके, और देखिए आयरन का दाग भी आ गया है। और इस सिस्टम में और क्या क्या प्रॉब्लम है खोल के हम देखेंगे, इसका अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। ये ओवरफ्लो हो रहा है इसलिए इसका बॉल कॉक भी ख़राब हो चुका है, इसलिए ये ओवरफ्लो कर रहा है, ऑटो बंद नहीं हो रहा है। और पानी देखिए लीकेज हो रहा है कॉमर से, और अभी प्लस करके देखेंगे, देखिए पानी भी धीरे गिर रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है पानी प्लस करने से। तो टैंक तो फुल है लेकिन पानी धीरे धीरे आ रहा है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इससे क्या होगा, जो कचरा है वो कचरा तो नहीं जाएगा, फिर बाल्टी से पानी डालना पड़ेगा। और देखिए कितना कम प्रेशर है, पानी का कोई फोर्स ही नहीं है अंदर, वो ठीक करेंगे। ये साइफन को हम खोलेंगे, साइफन को खोलने के लिए इसे थोड़ा सा बाएं तरफ घुमाना पड़ता है, जो घाट है वो निकल जाता है। और ये देखिए सिलिकॉन का वॉशर है, इसे थोड़ा सा हाथ से ही सफा हो जाता है थोड़ा, और इसके अंदर भी थोड़ा सा आयरन है, ये भी हाथ से ही सफा हो जाएगा। एसिड हो तो अच्छी होता है। अभी इस बॉल कॉक को भी हम चेंज करेंगे, इस बॉल कॉक को भी खोलेंगे, ये भी ख़राब हो चुका है। देखिए जो नीचे वाला एंगल कॉक है ये बंद नहीं होता है, ये भी ख़राब है। और ये जो जाम नट है ये आसानी से खोल जाता है, कोई पैना की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो हम इसे निकल के यहाँ पर एक नया लगा देंगे। इसके अंदर एक वॉशर है, वो वॉशर चेंज करने से भी ये बॉल कॉक ठीक हो जाता है, लेकिन ये वॉशर आसानी से मार्केट में नहीं मिलता है, इसलिए हम ये नया वाला बॉल कॉक हम इसे चेंज करके नया वाला लगा देंगे। ये देखिए मेरा नया वाला बॉल कॉक है, ये मार्केट से लाया हूँ। और इसे ये जाम नट है, इसे खोल के हम इसके अंदर डाल देंगे। घुसाने के लिए देखिए दूसरा साइड से घुसाना पड़ता है, और फिर इसे ऐसे लगा के हम जाम नट को टाइट दे देंगे। ये जो बॉल है इसके साथ लगा हुआ था, ये उल्टा साइड में था, इसका दो सिरा होता है, उधर जो था वो उल्टा वाला था, हम सीधा वाला लगा दिया। बॉल कॉक जब इस तरफ लगेगा, बाएं तरफ लगेगा तब उस सिरा में काम आएगा, और दाने तरफ लगेगा तब ए वाला सिरा में काम होता है। थोड़ा सा हम हार्पिक से जो वॉशर जहाँ पर बैठेगा वहाँ पर हम सफा कर देंगे। एसिड हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, एसिड का मतलब है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो नहीं है इस घर में, हार्पिक था, इसलिए इस हार्पिक से ही हम इसे थोड़ा सा सफा कर देंगे। एसिड से पूरा टैंक ही सफा हो जाता है, लेकिन एसिड घर में नहीं है तो ये हार्पिक से ही हम काम चला रहा हूँ। ये हो गया है, पानी से पानी छोड़ के हम इसे धो देंगे तो सफा हो जाएगा। और ये जो वॉशर है सिलिकॉन का वॉशर है, ये ख़राब नहीं होता है इस वॉशर, इसे आयरन पकड़ता है, आयरन को छोड़ा देने से ये वॉशर ठीक हो जाता है।
और ये पानी छोड़ दिया, पानी का पाइप हम लगा दिया। ये जो कनेक्टर पाइप है देखिए यहाँ पर लीकेज भी नहीं है, यह अच्छी है। बल को ऊपर उठाने से पानी क्या होता है बंद हो जाता है। और यहाँ पर एक एडजस्ट स्क्रू है, इसे टाइट देने से क्या होगा, पानी टैंक में कम होगा, एडजस्ट होगा लेवल, ज़्यादा होगा तो ओवरफ्लो होगा। अभी इस साइफन को हम लगाएंगे, जो दोनों साइड में जो घाट है उस घाट में बैठा के इसे हम अच्छी तरह से दाहिने तरफ घुमा देंगे तो अंदर लॉक हो जाएगा। ये जो हैंडल है इसे पहले इसका अंदर घुसाना पड़ेगा, फिर इस साइफन को लगाना पड़ेगा। लगाने के बाद ये हैंडल घुसाना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल नहीं होता है क्योंकि हैंडल खोल के लगाना पड़ता है। लगाने के बाद हैंडल को खोल के फिर लगाना पड़ता है। ये देखिए लग गया। घड़ी की तरफ घुमाने से, घाट में बैठने के बाद घड़ी की तरफ घुमाने से ये लॉक हो जाता है। देखिए पानी भी बंद हो रहा है, बल ऊपर उठाने से पानी भी बंद हो रहा है और यह भी अच्छी तरह से टाइट हो गया। तो ये प्रॉब्लम तो हमारा सॉल्व हो गया। अभी फ्लश करके देखेंगे, पानी तो हुआ है लेकिन देखिए पानी नहीं गिर रहा है, पानी थोड़ा सा गिर रहा है। अभी इस पाइप को हम खोलेंगे, ये नीचे जो ढक्कन है इसे खोल के नीचे थोड़ा सा खींचेंगे, इसे नीचे खींचना पड़ेगा थोड़ा सा। खींचने के बाद ये फ्लेक्सिबल टाइप का पाइप है, थोड़ा सा खींच के इस पाइप को हम निकालेंगे कुमुट के अंदर से। देखिए इसमें भी कितना कचरा है, इसलिए तो कुमुट में पानी नहीं जा रहा था इस कचरा के लिए। कचरा है, आयरन है, आयरन का पानी का जो आयरन है वो आयरन है, इसलिए पाइप जाम हो गया, इसलिए पानी नहीं निकल रहा था कुमुट से। इसे हम अच्छी तरह से सफा कर देंगे। ऐसे ढकलने से पाइप का अंदर जो कचरा है वो छोड़ देता है और फिर निकल जाता है, और नहीं निकले तो एसिड का यूज़ करना पड़ेगा ही, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करना पड़ेगा। और अभी इसका जो होल है, पीछे जो बैक होल है, ये भी जाम हो चुका है, इसे भी सफा करना पड़ेगा। इसका जो पीछे वाला जो होल है ये भी जाम हो चुका है, इसे भी अच्छी तरह से सफा करना पड़ेगा एक बैना से। तो हम ये बैना लाया है, इस बैना को हम होल के अंदर घुसाएंगे। देखिए ऊपरी हिस्से पे है दो होल और मिडिल में एक छोटा सा होल है, यहाँ पर घुसा के थोड़ा सा इधर उधर करने से जो आयरन है वो छोड़ देता है। जो आयरन का कचरा है वो छोड़ देता है इधर उधर करने से। और फिर देखिए इसका मिडिल में एक होल है, देखिए छोटा सा ये वाला छोटा सा होल है, इस होल को भी सफा करना पड़ता है। इस होल बंद होता है तो पानी का प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। देखिए ये होल भी सफा हो चुका है। अभी हम इस प्लस पाइप को लगाएंगे। देखिए रबर भी खराब हो चुका है। ये रबर पुराना वाला रबर लगाने से क्या होगा कि कुमट के पाइप के रबर के पास से पानी लीकेज भी हो सकता है, इसलिए हम एक नया वाला रबर यहाँ पर लगाएंगे। कुमट के पीछे लगा के पाइप को अंदर डालेंगे। पाइप को अच्छी तरह से घुमा घुमा के अंदर डालेंगे। ये हो गया है। अभी हम नीचे खींच के हम इसे कुमुट के जो सिस्टम के साइफन के साथ हम इसके इसे जोड़ देंगे। सिस्टम के साथ मेरी मतलब है सिस्टम के साथ हम इसे जोड़ देंगे। ये हो चुका है। अभी अच्छी तरह से टाइट लगाना पड़ेगा। हम जैसे कर रहा हूँ ऐसे ही करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अच्छी तरह से टाइट दे दिया। अभी हम फ्लास्क करके देखेंगे, इस ढक्कन को खोला और फ्लास्क करके देखेंगे पानी कैसे गिर रहा है। देखिए पानी का प्रेशर कितना है, और जब इसके अंदर एक कचरा भी निकल गया, जो कचरा टुकड़ा टुकड़ा हो गया, जो होल जाम हुआ था, कितना प्रेशर में पानी आ रहा है। तो हेलो दोस्तों, यही था हमारा वीडियो। आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना नया वीडियो की संकेत पाने के लिए।